Hello guys, let's see in this video tutorial कि आप permanently iCloud activation lock कैसे हटा सकते हो। ये iPhone 7 है और ये cloud activation ID link है। So guys, whenever जब भी मैं iPhone को connect करता हूँ iTunes में in PC और laptop, तो हमेशा एसेसिंग होने के बाद गाइस यहाँ पे कह रहा है कि आप जो आईडी रजिस्ट्रेशन फ़ोन लेते वक्त जो आईडी आपने इंटर किया था और पासवर्ड वो डालिए, तभी आप अनलॉक कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। सो गाइस सी विद लाइव आई वुड लाइक टू शो यू बाय यूजिंग अ सम ट्रिक एंड स्ट्रेटजी आप आसानी से आई क्लाउड कैसे हटा सकते हो। सो सी गाइस हियर, this phone is linked to an Apple ID and enter your Apple ID and password, that's what you used to set up this device. So either aapka phone chori wala hai ya kahin mila hua hai ya aap genuinely Apple ID aur password bhul gaye ho kisi bhi iPhone device ke, ya aapne kahin second hand phone kharda hai aur previous owner ka jo ID hai wo linked hai is pe, तो आप परमानेंटली कैसे हटा सकते हो। ये आईफोन 7 है गाइस। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल आई विल शो यू कि आप कैसे यहाँ पे न्यू परमानेंटली एप्पल आईडी और पासवर्ड जनरेट करोगे आफ्टर रिमूविंग दिस लिंक। सो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। वन इज आईटून, सेकेंड इज अ इमेजिंग सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वन इज योर 3U टूल। सो दिस इज़ अ 3U टूल। सो गाइस सबसे पहले इमेजिंग सॉफ्टवेयर पे आएंगे और यहाँ पे जो भी कंसोल डेटा अकुमुलेटेड हो रहा है वो हम क्लियर करेंगे। शो वी विल क्लियर इट। सो गाइस आफ्टर इस 5 मिनट सारे जो भी कंसोल डेटा अवेलेबल है इस डिवाइस पे वो आपको क्लियर करना है। सो accumulated हो रहा है गाइज, सो लेट मी क्लियर वंस अगेन। सो आफ्टर इच 5 मिनट यू हैव टू क्लियर दिस कंसोल। ऑन द अदर हैंड गाइज यू हैव टू कम ऑन अ 3U टूल। आप 3U टूल पर आ जाओ, फिर उसके बाद आप टूल बॉक्स में आओगे। यहाँ पर आपको क्रैश एनालिसिस है, यहाँ पर जो भी फाइल में डेटा अगर अवेलेबल है ये सारे के सारे आप कंट्रोल को होल्ड बटन करो और प्लस ए सेलेक्ट ऑल और डिलीट पे क्लिक कर दो, आप सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद गाइस आपको ए डिवाइस को सिंपली आपको 3U टूल पे आना है। ए स्टिल आप यहीं रहने दो इसे। आप इसके बाद 3U टूल पे आ जाओ वन सेकेंड और आप फ्लैश पे क्लिक करोगे। इन फ्लैश पे आप रिफ्रेश करो, जो भी आपको IPSW रिकमेंड करता है वो आपको डाउनलोड करना है और फ्लैश मारनी है। सो आप सी गाइस सिंपल फ्लैश नहीं मारनी, एंटी डेटा रिकवरी फ्लैश मारनी है गाइस। सो आप सी यहाँ पे बीटा वर्जन 1 या ये दोनों में से एक आप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रीन कलर जो हाईलाइटेड है यहाँ पे। सो सिंपली आप क्लिक करो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है सो मैं डायरेक्टली वहाँ से इंपोर्ट करके फ्लैश मार दूंगा। या अदरवाइज अगर आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हो IPSW, तो आप IPSW.in वेबसाइट पर आ जाना इस पर और प्रोडक्ट चूज करके, इस पर प्रोडक्ट आपको चूज करना है गाइज। और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आईफोन है तो प्रोडक्ट चूज करेंगे, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म मॉडल नंबर और फिर वर्जन डाउनलोड करेंगे सिंपली। सो वर्जन या कोई भी इंफॉर्मेशन, क्या iOS है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हो तो सिंपली आप डिवाइस पे क्लिक कर देना, यू विल गेट ऑल द डिटेल हेयर। नाउ हमें सिंपली इस डिवाइस को एक बार और कंसोल क्लियर करनी है हेयर एंड क्लियर इट। सो सी गाइस दिस वीडियो इज अ लाइव रिकॉर्डिंग, सो क्लियर क्लियर
स्टिल लॉट ऑफ द डेटा इज अवेलेबल गाइज, सो बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं, इस वजह से एक क्लाउड लिंक है अभी भी ये डिवाइस, सो सी धीरे धीरे अकोमोलेटेड हो रहा है। सो जब तक वाइट कलर ना आ जाएगा इस तब तक क्लियर करनी है आप इसे, तो आप अब 3U टूल पे आ जाओ और इस डिवाइस को पुश करनी है रिकवरी मोड में। और रिकवरी मोड के बाद गाइस फ्लैशिंग के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आई क्लाउड लॉक को स्किप करके आप डीएक्टिवेट करोगे एक्टिवेशन लॉक को और परमानेंटली आप आईट्यून के ज़रिए आप न्यू एप्पल आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लोगे, तो सिंपली परमानेंटली आप हटाया जा सकता है क्लियरली गाइस। सो सबसे पहले आप नाउ रिकवरी मोड में पुश करेंगे इस डिवाइस को, और एक बार फिर से गाइस हम इसे कंसोल क्लियर करेंगे यहाँ से। सो फाइन, ऑलमोस्ट वाइट कलर आने लगा है गाइस, सो नाउ इट्स इन अ रिकवरी मोड। सी साइन है इमेजिंग टूल पे कि नाउ आपका डिवाइस रिकवरी मोड में है। फिर उसके बाद गाइस हम इस पे आएंगे और अब यहाँ पे गाइस सिंपली हम फ्लैश में आएंगे। आप सी देखो, अब मैं ऑलरेडी इम्पोर्टेड डाउनलोड किया हूँ बीटा वर्जन ए, तो सिंपली हम इसको लेट मी हेयर दिस वन, सो गाइज क्लिक ऑन अ फ्लैश डायरेक्टली। सो व्हाट यू हैव टू डू हेयर, बिफोर क्लिकिंग ऑन हेयर गाइज, क्लिक करने से पहले आपको सी रिटेन यूजर डेटा नहीं सेलेक्ट करना है, ना ही क्विक फ्लैश मोड करना है, हमें एंटी रिकवरी फ्लैश करना है। जो भी डेटा है मैं दोबारा रिकवर नहीं करना चाहता इस डिवाइस पे, क्योंकि इस कारण से भी समटाइम्स एप्पल सर्वर जो होता है कैच कर लेता है कि ये एप्पल डिवाइस जो है आई क्लाउड से लिंक्ड है। सो गाइस सिंपली एंटी रिकवरी, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक करेंगे नाउ। सो सी गाइस हियर, ये बीसी सिचुएशन ऑफ, अगर हम इसका देखूँ तो कंसोल अभी नहीं अकोमोलेटेड हो रहा है, सो लेट मी मिनिमाइज इट। अगर हम आईट्यून की सिचुएशन देखें तो ए सी गाइस रिकवरी मोड में है, सो कट फ्रॉम हियर, रिकवरी मोड में ही रहने दो आप इसे। और अगर 3U टूल का सिचुएशन देखें तो 4% पे है, 5%। सो सी गाइस, अगर एरर आता है तो आप इंटरनेट कनेक्शन कंफर्म कर लेना कि सर्वर इंटरनेट कनेक्शन का चल रहा है या नहीं चल रहा है सिंपली। सो लेट मी चेक दिस वंस, समटाइम्स गाइस अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट नहीं है तो इसके कारण भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सो 5% एंड इट्स, बट सर्वर स्लो है गाइस, सो फाइन 5%। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड गाइज, ये एब्सोल्यूट 100% तक करनी है आपको। सो आपका कोई भी डेटा रिकवर नहीं होगा एंटी रिकवरी प्रोसेसिंग के जरिए। सो 6% पे स्टक है अभी भी इंटरनेट कनेक्शन, लेट मी सी, बहुत स्लो है गाइस, इसीलिए मैं पहले IPSW डाउनलोड करके रखा था इसका। स्टिल सर्वर प्रॉब्लम गाइस,
me cut this 7%. गाइज अभी भी 7% पे स्टक है, तो आप एक बार बिफोर प्रोसेसिंग आप एक बार एश्योर कर लेना कि आपका डेटा केबल ओरिजिनल होना चाहिए, प्लस बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, आईफोन डिवाइस की मोर देन 70% होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन आपका पीसी में कनेक्ट ऑनलाइन होना चाहिए। सो 8% नाउ सो गाइज सी इट्स अ लाइव, आई डोंट हैव अ कैमरा, दैट्स वाई एक्चुअली मैं कैमरा से मोबाइल को भी साथ में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई ओनली आई एम रिकॉर्डिंग अ मोनिटर हेयर। हाँ सो 8%। सो गाइज एंटी रिकवरी फ्लैश प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, अप्रॉक्सीमेटली 20-30 मिनट भी ले सकता है, सो यू हैव टू वेट। इलेवन परसेंटेज गाइस, कंप्लीटेड, सो 16%। सो आप ही होने दो इधर प्रोसेसिंग, इंटरनेट सर्वर मुझे चेक करने दो आप कि चल रहा है या नहीं चल रहा, प्रॉब्लम हो जानी है नहीं तो। गाइस अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है तो आपको प्रोसेसिंग में एरर आएगा, सो आप एश्योर कर लो कि आपका पीसी और लैपटॉप जिस डिवाइस के ज़रिए भी आप अगर ये सारा प्रोसेस कर रहे हो तो सिंपली आपको एश्योर करना है कि इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए आपके इंटरनेट कंप्यूटर में। सो 20% कंप्लीटेड नाउ। अगर गाइस आईट्यून का देखें तो आईट्यून अभी ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट है, सो हम ये ऐसे ही रहने देंगे, डोंट डू एनीथिंग इन आईट्यून, सिंपली यू हैव टू कम ऑन दिस थ्री यू टूल। अगर कंसोल की देखें तो गाइस सी जो भी डेटा यहाँ पे कंसोल करके अकुमुलेटेड हो रहा है वो यहाँ पे हम सिंपली एंटी रिकवरी के ज़रिए वाइप आउट कर रहे हैं, और जो भी डेटा, सो गाइस 21% कंप्लीटेड। सो हमें एब्सोल्यूट 100% तक वेट करनी है और फिर एट द एंड ऑफ आपको डीएक्टिवेट ऑप्शन प्लस स्किप दोनों हाईलाइटेड हो जाएगा, तो फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, स्किप एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेट करेंगे आई क्लाउड को, और फिर उसके बाद iTunes के ज़रिए हम न्यू एप्पल आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करेंगे। सिंपली गाइज इट्स अ वेरी इजी एंड मोर रिलायबल मेथड गाइज, सबसे बेस्ट मेथड है। सो गाइज हियर लेट मी कम ऑन थ्री यू टूल, ऑन थ्री यू टूल लेट मी कम ऑन दिस फ्लैश ऑप्शन, 25% कंप्लीटेड। सो हमें 100% तक वेट करना है गाइज, और आफ्टर एब्सोल्यूट 100% फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगा गाइज। अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी हो गाइज तो आप रेज करना क्वायरी बिलो द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई करूंगा आपको एज सुन एज पॉसिबल। और सॉफ्टवेयर थ्री यू टूल, इमेजिंग सॉफ्टवेयर और आईट्यून, तीनों सॉफ्टवेयर के डाउनलोड लिंक ऑलरेडी आई हैव गिवन,
बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो इजली गाइस। ट्वेंटी नाइन कंप्लीटेड गाइस। सो एन इमेजिंग सॉफ्टवेयर सी सिर्फ कंसोल अकोमोलेटेड हो रहा है और इधर ऑन द अदर हैंड वी आर वाइपिंग आउट बाय रिकवरी एंटी रिकवरी प्रोसेस गाइस। सो 31% कंप्लीट है गाइस। सो हमें इंतज़ार करना है एब्सोल्यूट 100% तक। सो इट्स लाइव रिकॉर्डेड गाइज एंड अगर आप चाहते हो कि मोबाइल के साथ आई मीन रिकॉर्ड करूँ तो नेक्स्ट मोबाइल अगर दुकान पर आते हैं तो सिंपली आई विल रिकॉर्ड विद वन फोन विद लाइव आईफोन्स ऑल्सो गाइज। सो मोस्ट रिलायबल है ये मैथड। आप ब्लाइंडली ये मैथड के जरिए अनलॉक कर सकते हो ईजिली। 99% गाइज आप परमानेंटली आई क्लाउड एक्टिवेशन लॉक टर्मिनेट कर दोगे इसके ज़रिए। सो सिंपल इट्स अ फ्री ऑफ कोर्स विद मैनुअल मेथड गाइस। सो 35% कंप्लीटेड। ए टाइम लेता है गाइस एंटी रिकवरी फ्लैश क्योंकि कोई भी डेटा रिकवर नहीं होता है टोटली वाइप आउट होता है। सो हमें एब्सोल्यूट 100% तक वेट करना है गाइस। सो लेट इट कंप्लीट एब्सोल्यूट। परसेंटेज गाइज कंप्लीटेड। सो ऑलमोस्ट हाफ परसेंटेज कंप्लीटेड। और गाइज जब एब्सोल्यूट कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट ऑप्शन प्लस स्किप एक्टिवेशन लॉक दोनों हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है एट द एंड आई विल टेल यू। और आईट्यून के जरिए हम सिंपली सी गाइज आईट्यून अभी डिस्कनेक्ट है। आईट्यून के जरिए हम न्यू एप्पल आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करेंगे। आपको फ़ोन में कुछ भी नहीं करना है डोंट टच इन योर आईफोन डिवाइस जब ये प्रोसेसिंग हो रहा है। एट द एंड ऑफ एक्टिवेशन वक्त भी आपको कुछ नहीं करना गाइस फ़ोन में। सिंपली हम आईट्यून के जरिए एक्टिवेट करेंगे इस डिवाइस को परमानेंटली। सो 80% कंप्लीटेड गाइज। सो गाइज एक्चुअली iOS 14 बीटा वर्जन आप इजली iCloud लिंक परमानेंटली हटा सकते हो। आइदर आपका आईफोन 10 हो 11 प्रो हो 11 हो या आप आईफोन 7 8 9 जो भी आप टर्मिनेट करना चाहते हो ईजिली आप बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी एंड ट्रिक आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। सो अप्रॉक्सीमेटली 80% कंप्लीटेड। वेट करना है गाइज हमें एब्सोल्यूट 100% तक। नाइन
नाउ सी गाइस, ए आपको 0% पे आ गया, फ्लैश डन और एंटी रिकवरी डेटा, और आपका फ़ोन रीबूट होने लगेगा ऑटोमेटिकली। सो माय फ़ोन इज़ नाउ रीबूटिंग। सो अगर हम यहाँ पे देखें कंसोल, जब आपका फ़ोन रीबूटिंग हो रहा है तो आप सिंपली यहाँ से कट कर दो, ये 0% पे रीबूटिंग हो रहा है, सो आप परमानेंटली यहाँ से आप इमेजिंग टूल को ऑफ कर दो। इसका काम हो गया गाइज। सो इमेजिंग टूल परमानेंटली जस्ट ऑफ फ्रॉम हेयर, और हम आईट्यून पे वेट करेंगे गाइज। और थ्री यू टूल पे अभी 0% पे है गाइज। नाउ सी इरेजिंग ऑल द डेटा जो भी ओल्ड है। सो सी फॉर्मेटेड अप्रॉक्सीमेटली, आपको ये बोल रहा है कि 2 hours अप्रॉक्सीमेटली चाहिए। सो डोंट वरी, इट विल बी ए क्विकली विद इन 5 to 10 minutes। नाउ सारा डेटा इरेज हो रहा है गाइज, ऑल द डेटा इज इरेजिंग एट द मोमेंट, फॉर्मेटेड अप्रॉक्सीमेटली। मैंने 400 एक्चुअली MB डेटा इरेज कर दी है परमानेंटली। नाउ ऑन द अदर हैंड गाइज, हम सिंपली इस आईट्यून पे आएंगे, अभी भी फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, जब तक साइन नहीं आएगा तब तक हम इस फ़ोन को वेट करेंगे यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड अभी फ़ोन रीबूटिंग हो रहा है, प्लस इधर एंटी रिकवरी में डेटा फॉर्मेट हो रहा है गाइस। सो सी अप्रॉक्सीमेटली 1 MB, सो हमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली, नाउ सी गाइस, 1 GB मैंने डेटा इरेज कर दिए ऑन दिस डिवाइस। नाउ सी गाइस, फोन रीबूट हो गया ऑलमोस्ट। सो हम सिंपली हम आईट्यून पे आएंगे, यहाँ पे कीप इट हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट आईट्यून पे, और यहाँ पे वेट करेंगे गाइस जब साइन आएगा यहाँ पे। सो अभी तक नहीं आया गाइस, सो आई हैव टू वेट। फाइन, स्टिल नॉट कनेक्टेड हियर। हम दोबारा आईट्यून 3U टूल पे आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 GB इरेज कर लिया है गाइज यहाँ पे डेटा, और फोन हैज़ बीन कनेक्टेड स्टिल। नाउ फ्लैश में आएंगे, अभी अप्रॉक्सीमेटली हम 2 GB डेटा ऑलमोस्ट इरेज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डीएक्टिवेट ऑप्शन प्लस इरेज ऑल द डेटा या स्किप। सो यहाँ पे हम गाइज सिंपली स्किप, और यहाँ पे एक्टिवेशन या स्किप सेटअप, और सिंपली हम स्टार्ट कर देंगे गाइस इस पे। और ऑन द अदर हैंड हम नाउ लीव इट हियर, हम आईट्यून पे आएंगे वंस अगेन। सो इट्स अ कंप्लीटेड गाइस, एक्टिवेशन सक्सेसफुली सक्सीड एंड स्किप्ड सक्सेस। सो मैं ओके करेंगे यहाँ से, और सिंपली हम आईट्यून पे दोबारा आएंगे, और सी इन आईट्यून स्टिल नॉट कनेक्टेड गाइस। सो जस्ट आई हैव टू वेट हियर व्हाई इट्स नॉट कंप्लीटेड।